तो आज की वीडियो थोड़ी होने वाली है लंबी, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा धैर्य से एकदम इत्मीनान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ हम सिखाने वाले हैं और इस वीडियो के जरिए आपको एक फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ोन आया है रेडमी नोट 5 और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जब पावर बटन दबाते हैं तो ये फ़ोन तुरंत से MI लिख के तुरंत से बंद हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि आपको बैटरी चेक करना है। नया बैटरी डालने के बाद भी कंडीशन वही बना रहा, फिर आपको वॉल्यूम वगैरह बटन चेक कर लेना है, बटन डालने के बाद भी वही कंडीशन बना रहा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर से हम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रखा है, पहला काम इसको सॉफ्टवेयर करने का है। और अगर आपको फ्लैशिंग के बाद भी फ़ोन सही नहीं होता है तो सिंपल सा इसका EMMC निकालिए, प्रोग्राम करिए, आपका काम हो जाएगा। तो आजकल के जो पुराने फ़ोन है, खासतौर पर नोट 5 वगैरह, ये सब जितने भी ओल्ड जनरेशन के फ़ोन हो चुके हैं, तो उसमें कॉमन प्रॉब्लम है ये सब, क्योंकि अब इसका जो EMMC हेल्थ खराब हो चुका है तो ये सब प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो किसी किसी में फ्लैशिंग से फ़ोन सही हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा फाइल वगैरह एक्सट्रैक्ट करके सब कुछ करके रखे हैं, तो हमने यहाँ पे UMT को ओपन किया है। सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने इस फाइल को डाउनलोड किया था GIMME ROM से, और यहाँ की फाइल एक्चुअल हमने देखा है कि ज़्यादातर फाइलें जो हैं वो 100% वर्किंग रहती हैं, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑफर वगैरह चल रहा है, आप देख सकते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइल डाउनलोड कर लेना है, ये फ्री नहीं है वेबसाइट, आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 1 साल के लिए मिलता है, आप चाहो तो ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइल को डाउनलोड करेंगे, और फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइल हमने पहले से डाउनलोड कर रखी है, क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो। हम UMT की मदद से इसको हम फ्लैश करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमारा फोन फ्लैश होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे UMT को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें फाइल वगैरह, और यहाँ पे फाइल को हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा फाइल, इसको हम ओपन करेंगे, फिर से ओपन, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे ओके कर देना है। और अब हम यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, बट यहाँ पे UMT में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये एरर जो आप देख रहे हो, ये एरर आता है एक्चुअली में जब आपके जैसे कंप्यूटर में आपने कोई पोर्ट शेयरिंग वगैरह की है, पोर्ट शेयरिंग का कोई अगर आपके एप्लीकेशन है तो इसके वजह से ये एरर आता है। तो आपको क्या करना, देखना है ध्यान से कि कौन सा पोर्ट शेयरिंग का एप्लीकेशन है, उसको आपको हटा देना है और रिस्टार्ट कर देना है, कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपको वीडियो बना के देना है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, एंड्रॉइड मल्टी टूल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको फ्लैश कर लेंगे। और फ्लैशिंग के लिए एंड्रॉइड मल्टी टूल काफ़ी अच्छा टूल है, इसमें मतलब आपको एरर्स वगैरह कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड मल्टी टूल को ओपन कर लेते हैं, इसमें फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको फ्लैश करेंगे। वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर फ्लैशिंग का काम चल रहा है, फाइल डाउनलोड करना, क्या करना, सारी चीज़ें हम डिटेल में बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है फ़ोन का कंपनी कौन सा है, और यहाँ पे नीचे में सेलेक्ट कर लेना है इसका मॉडल, क्योंकि एंड्रॉइड मल्टी टूल के अंदर यही खासियत है कि इसमें आपको हर चीज़ जब या फिर फ्लैशिंग करना है या फिर कुछ भी करना है तो आपको मॉडल वगैरह सेलेक्ट जरूर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है इसका फ़ोन का कंपनी का और नाम और मॉडल, और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्लैशिंग का ऑप्शन आ गया, ऊपर में फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको करना है फाइल सेलेक्ट, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद से आपको सिंपल सा फ़ोन को करना है पावर ऑफ। और चूंकि ये क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन है तो इसके अंदर ईडियल पॉइंट है, आप सिंपल सा ईडियल पॉइंट सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ईडियल पॉइंट कहाँ पे दिया है। उसको चिमटे की मदद से फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है और चिमटे की मदद से शॉर्ट करना है, और यहाँ पे केबल लगा देना है। ये देखिए केबल जैसे हमने लगाया, फ़ोन हो गया कनेक्ट, और यहाँ पे फ्लैशिंग होगी। अब ये फ्लैशिंग में कम से कम हो सकता है, पुराना फ़ोन है तो 10 मिनट भी समय ले ले, तो आपको 10 मिनट तक वेट करना है। तो वीडियो का हमने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दिया, आपको उतना देर वेट नहीं करना पड़ेगा। जब तक कि ये फ़ोन फ्लैश हो रहा है तब तक आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहे। वीडियो बनाने में आपको भी पता है बहुत मेहनत लगती है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक क्लिक करना है। अभी फ्लैशिंग जैसे मान लीजिए कंप्लीट हो जाती है, तब हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। एक्चुअल में हमने वीडियो में वॉइस ओवरिंग अलग से की है, तो हमको पता है कि ये फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लैशिंग के पहले हमारे फ़ोन का कंडीशन क्या था कि फ़ोन हमारा जैसे ही हम पावर बटन दबा रहे थे फ़ोन तुरंत से ही ऑफ हो जा रहा था, मतलब एक MI का लोगो दिखा रहा था और नीचे में एंड्रॉयड लिखा रहता है, वो भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ MI का लोगो दिखा के तुरंत बंद हो जा रहा था। हालांकि हमने जब इस फ़ोन को फास्ट बूट मोड में डाला तो फास्ट बूट मोड में हमारा फ़ोन चला जा रहा था, लेकिन रिकवरी मोड में नहीं जा रहा था। फास्ट बूट मोड में MI के फ़ोनों को ले जाने का तरीका है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, और अगर रिकवरी में ले जाना है तो उसका तरीका है वॉल्यूम अप एंड पावर बटन, दोनों एक साथ दबाना है फ़ोन को स्विच ऑफ करके, तब आपका रिकवरी में जाएगा, नहीं तो फास्ट बूट मोड में जाएगा। तो फास्ट बूट मोड में तो कोई भी फ़ोन आसानी से चला जाता है, बट ये रिकवरी में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चलो फ्लैशिंग कर लेते हैं। तो हमारा फ़ोन पहले कंडीशन में था कि MI लिख के तुरंत बंद हो जा रहा था, लेकिन जब हम फ्लैशिंग ये कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे फ़ोन स्टक इन
एमआई लोगो पे आ गया। तो अब आप क्या, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको किसी दूसरे फ्लैश फाइल से एक बार और चेक कर लीजिए फ्लैश हो रहा है कि नहीं, मतलब आपका फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर आपका नहीं होता है, कई बार क्या हो टूल की वजह से भी, जैसे मान लीजिए आपने जो टूल यूज किया है उससे प्रॉपर फ्लैश नहीं हो पाया हो, टूल ने दिखा दिया कि प्रॉपर फ्लैश हो गया बट हो नहीं पाया हो, तो दूसरे टूल से भी आप फ्लैश करके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका ये सारा कंडीशन फेल हो गया, आपका फ़ोन फिर भी उसी कंडीशन में है, तब आपका आखिरी ऑप्शन बचता है कि आपको ईएमएमसी को निकालना है सिंपल सा, और उसको प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने के बाद से उसके जो भी मतलब अंदर में जैसे देख लीजिए हेल्थ वगैरह सही है कि नहीं, और हेल्थ वगैरह सब चेक करके जैसे प्रोग्राम करके आप फिर से उसको फिक्स करोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ोन के अंदर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्रॉपर चेक किया था। मान लीजिए कि आपने बटन बैटरी सब कुछ चेक कर लिया, फ़ोन ऑन होकर तुरंत बंद हो जा रहा है, और अगर आपका ये कंडीशन में फ़ोन है और आप मान लीजिए कि आपने VPS वगैरह लाइन वगैरह भी अगर आपका चाहो तो चेक कर सकते हो, कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, तो आप ये मोटा मोटी चीज़ों को करके अगर आप देखोगे और फ़ोन ऑन होकर ऑफ हो रहा है, इसका मतलब चांस तो ये नहीं है कि फ़ोन में हार्डवेयर से रिलेटेड दिक्कत होगा। हालांकि EMMC निकाल के उसको प्रोग्रामिंग करना भी एक तरह का हार्डवेयर काम ही होता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन नहीं हुआ है, तो हमने जो कंडीशन आपको बताया है अभी वही करना है। और अगर आपका दूसरे फाइल से रिप्लेस करने से सही नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा उपाय है कि इस फ़ोन को हमको क्या करना है कि चुपचाप से EMMC निकाल के प्रोग्रामिंग करनी है, और ये 100% उसके बाद फ़ोन ऑन होगा। अब EMMC प्रोग्रामिंग वगैरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे भी आपको इक्का दुक्का ही वीडियो मिलती है, अच्छे अच्छे चैनलों पे आपको ये वीडियोस नहीं मिलती है, क्योंकि काम तो सभी करते हैं, बट दिक्कत ये होता है कि उसकी जो जानकारी अगर हम यूट्यूब पर देते हैं तो हो सकता है कि यूट्यूब हमें कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दे, जिसकी वजह से हमें ये जानकारी देने में काफ़ी दिक्कतें आती है। बट आगे चल के हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ही हमको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा यूट्यूब के जरिए कि हाँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आप डाल सकते हैं, तो फिर हम उस तरीके की भी वीडियो डालेंगे 100%। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको ये जो भी प्रॉब्लम आती है इस तरीके की, आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं उसको सॉल्व आप देख सकें। अब यहाँ से आगे का प्रोसेस जो है वो हमको पता है कि इसकी EMMC निकाल के हमको क्या करना है, बट हम आपको उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्षमा करिए, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत काफ़ी ज़्यादा अभी रूल स्ट्रिक्ट हो गया है। अब हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग की भी वीडियो नहीं डाल सकते, तो अब क्या ही डाल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। बट इसका भी हमने तोड़ निकाला है, वेबसाइट बनाई है, सोच रहे एक एप्लीकेशन बनाए और उस पर इस तरह की वीडियो डालें जो कि आपको आसानी से काम है, और यूट्यूब पर जो चीज़ें एकदम से इलीगल हो वो हम उस वेबसाइट पे या फिर उस एप्लीकेशन पे डाल पाएँ। तो इसके ऊपर हम बहुत जल्द से जल्द काम कर रहे हैं, देखते हैं कब सफलता मिलती है। आप लोग का अगर साथ रहा तो 100% सफलता मिलेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद दोस्तों।